है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो उर्दू। दोस्तों, आज की वीडियो में दो प्रोजेक्ट हैं, आप इनको ज्वाइन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपके सामने समान टेस्ट नेट। तो दोस्तों, समान टेस्ट नेट है, समान सेट्रॉन टेस्ट नेट थी। दोस्तों, आपने इसके 3 मिलियन जो SWAN समान टोकन दे रहे हैं, इसको आपने ज्वाइन करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से, आप मैंने फोसेट ले लिया है। तो फोसेट के दो तीन मेथड हैं जो आपको करने हैं। तो क्या मेथड है, सबसे पहले तो आपको दिखा दूं कि ये है इनका फोसेट, ठीक है। तो ये ब्रिज टोकन है, ठीक है। सेंड आप सेफोलिया ETH, इस पे सेंड, इस पे एड्रेस पे आपने सेंड करने हैं, जितने करें 0.1 करें, 0.2 करें, जितने भी करें। तो उसके बाद आपको क्या होगा, ये देखें, आपको 0. उतने ही जो है समान ETH मिल जाएंगे। तो ये आपके सामने है, आप उसको आप ब्रिज भी कर सकते हैं। अगर आप ब्रिज करने हैं तो ऑप्शन टू क्या है आपके सामने, ये है, वो क्या है, मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ इन्होंने जो तरीक़ाकार बताया है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप फोसेट पर क्लिक करें और इनके यहाँ देखें डिस्कॉर्ड पर आना है, और ये कॉन्टेक्ट एड्रेस है, आपको क्या करना है, यहाँ से ये मैं डिस्कॉर्ड इसका ज्वाइन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट आपने क्या करना है। तो बहुत इजी सेटअप है, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। यहाँ से आप इनको करके देख लें, डिस्कॉर्ड पे फोसर ले लें, ये फोसर लेते हैं। नेक्स्ट इसके सेटअप जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, मैं आपको दिखा दूँ। आपको कंप्यूटिंग बिकम ए कंप्यूटिंग करना है, कम्युनिटी करना है, इसके अलावा रजिस्टर करना है और फीडबैक देना है, ब्रिज करना है। इसके साथ ही व्यू, ये गाइड है आपको, डेवलप कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको बता दूंगा। ट्राई एंड यूज डैप ये करना है, फोसेट लेना है। फोसेट के इन्होंने दो तरीके कार बताए, जो कि सबसे पहले है फोसेट हमने ले लिया है, ठीक है। फोसेट लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से मैं दिखा दूँ कि जब हम फोसेट लेते हैं, डिस्कॉर्ड इसका ज्वाइन करते हैं, तो दोस्तों डिस्कॉर्ड पर जब आते हैं तो न्यू यूज़र को पता होता है कि यहाँ क्या करना होता है। यहाँ देखें आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, जो कि मैं स्क्रीन पे आपको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ से आप चेकआउट करें, यहाँ देखें कंप्लीट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने कंप्लीट पे क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस है, आपने रीड करना है एग्री टर्म्स एंड कंडीशन को, आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे, उसके बाद वेरीफिकेशन का ऑप्शन आता है, वेरीफिकेशन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखें, वो कह रहे हैं कि ग्रैपी आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ देखें आपके सामने है, यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट की है, और यहाँ से सॉरी, यहाँ स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, ऑलरेडी वेरीफाई पेंडिंग ब्लू कार्स। दोस्तों तो यहाँ देखें ब्लू कार आपको लेनी है, जो यहाँ से ये है, ठीक है। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप वेरीफाई हो जाएंगे, और इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, न्यू पेज। और यहाँ देखें आपके सामने जीले के हैं, तो आपको गैलेक्सी के टास्क भी करने हैं। तो यहाँ से फोसेट वाला हम ढूँढते हैं, और टेस्ट सवन टेस्ट नेट फोसेट। तो दोस्तों यहाँ आपको क्या करना है, इस कमांड को आपने कॉपी करना है, ये आपके सामने है, ये कॉपी किया मैंने, स्पेस दी, और आपने अपना वहीं आपने अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। तो आपको एड्रेस डालना है, यहाँ से मैं एड्रेस कॉपी करता हूँ, और ये मैंने एड्रेस डाल दिया, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा, सेंड पर क्लिक करूँगा, तो फोसेट हमारा मिल जाएगा, पेंडिंग में है, ये आपके सामने है, ठीक है। तो आपके सामने टेस्ट नेट फीडबैक भी दे सकते हैं, यहाँ आप ये फॉर्म इन्होंने दिया है, ये हम करेंगे, वो बाद में करेंगे। तो 500 आपको टोकन मिलेंगे, जो कि फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, सजेशन करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये तो काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आप ब्रिज भी करना है आपको, तो यहाँ दोस्तों कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, मेटामास्क पे क्लिक करेंगे। मेटामास्क पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको क्या करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है, आपसे ये हो जाएगा। अगर आपको ये देखें, मेरे पास कुछ इथेरियम है और मैं इनको समान टेस्टनेट पे लेके जा रहा हूँ, तो क्या करूँ, स्विच टू सेफोलिया पे क्लिक करूँगा। आपको सेफोलिया के नेटवर्क पे पहले जाना है, ठीक है। यहाँ देखें 0.1 को मैं कर लेता हूँ इसमें समान में, ठीक है। डिपॉजिट पर क्लिक किया है, मेटामास्क डिटेक्ट हुआ है, और स्क्रीन पर आप चेकआउट कर सकते हैं, कन्फर्म पर क्लिक करना है। दोस्तों ये तो हमारा काम कम्प्लीट हो गया, हम अपने इथेरियम को लेके जा रहे हैं, क्या यहाँ से सेफोलिया से सामान के इथेरियम पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये एक अपना इनका ब्लॉकचेन है, अपनी इनकी जो चीज़ें USDC भी हैं, USDT भी हैं, और WBTC भी हैं। आपके पास जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, मेरे पास तो ETH ही हैं, मैं ETH कर रहा हूँ।
तो दोस्तों यहाँ लोडिंग हो रही है, ये कंप्लीट होती है, तो तब तक के लिए ये जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम विड्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, विड्रा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें आपके सामने है, ये मुझे एक एथेरियम मिला हुआ है और क्या है, यूज़ ऑफलाइन ब्रिज है, 7 दिन टास यू कैन एथेरियम मेनेट। तो अच्छा, यानी कि ये मेन नेट का भी कह रहे हैं, कोई क्वेश्चन का सीन है। स्विच टू सवान पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नेटवर्क ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा जो कि हमारा रेडी है। इसमें से आप कुछ थोड़े से विड्रा भी कर लें, लेकिन आज नहीं कल तक। अब देखें हमारा जो काम था, सबसे पहले फोसेट हमने ले लिया, चलो फोसेट ले लिया है, ठीक है। अब डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट ये हम बाद में करेंगे, ये कुछ ब्रिज पे क्लिक किया है, ब्रिज हमने ऑलरेडी कर लिया है, ये अभी ब्रिज भी हमने किया है, ठीक है। तो ये आपके सामने ब्रिज भी किया है, ये है ब्रिज इनकी, ठीक है। अब हमारा जो टास्क जो बचा है हम वो करेंगे। तो दोस्तों यहाँ है कि ये इन्होंने बताया कि ट्राई एंड यूज़ डैब्स, तो दोस्तों इस पे क्लिक करते हैं, इसमें क्या आता है, एक डैब आ रहा है। तो इनके लिंक जो कंप्लीट डिटेल लिंक है वो आपको एक एक करके सेटअप 1, 1, 2, 3, 4 इस तरह प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सबसे पहले फोसर ले लेना है, उसके बाद ब्रिज कर लेना है, ब्रिज के बाद ये आपको एक इनका डैप है वो यूज़ करना है। तो डैप यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जहाँ आपको क्या करना है, ये टेस्ट नेट है, ये आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा है, ये आपको देना है, ठीक है। तो ये आपको अपने वॉलेट के साथ कनेक्ट करना है। तो अभी देखें यहाँ कुछ चीज़ें आ रही हैं, डेटाबेस वगैरह, और यहाँ यानी कि कुछ चीज़ें आ रही हैं ये जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ से प्रोवाइडर पे क्लिक करके भी मैंने चेकआउट किया है, तो यहाँ से इनको, सॉरी, इनको आप लाइक भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी, हम मेरे ख्याल में यहाँ आपको स्पेस बनानी होगी जैसा कि लोगों ने बनाई हुई है। स्पेस बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, स्पेस है, डेट शीट है, और यहाँ लोगों ने अपनी स्पेस बनाई हुई है, हम भी अपनी एक स्पेस बनाएंगे। मेरे ख्याल में टेस्ट नेट किए देखें, लोग अपने नाम की एक स्पेस बना रहे हैं। तो आपको क्रिएट ए न्यू स्पेस पे क्लिक करना है, और इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको वॉलेट होगा, आपने अपना स्पेस नेम लिखना है, जैसा कि मैं लिखता हूँ क्रिप्टो उर्दू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपके लेंस क्या है, ये क्रिप्टो उर्दू है, तो यहाँ इसको स्पेस देनी है, ठीक है। तो ये करने के बाद इसको क्लिक कर दिया, पब्लिक और प्राइवेट, आपको पब्लिक करना है, क्रिएट स्पेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपकी स्पेस क्रिएट हो जाएगी। तो ये देखिए क्रिप्टो उर्दू स्पेस है, आप इसको मुझे फॉलो करेंगे तो मैं आपको फॉलो भी कर लूँगा, लाइक करेंगे तो यहाँ आपका ये काम तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इन्होंने जो दूसरी बात कही है यहाँ से कि आपको डैब यूज़ करना है, तो डैब यूज़ करना है तो आपको ज़ाहिर कोई वॉलेट की ट्रांजेक्शन भी होगी, वो मैं देख के आपको दिखाता। तो दोस्तों यहाँ कुछ चीज़ें मैंने इनकी चेक कर ली हैं, यहाँ से आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों यहाँ इनका एक फॉर्म भी फिल करना है, यहाँ मैंने डैब पे ट्राई किया है, तो यहाँ कह रहे हैं कि लर्जिंग एंड अदर आर वेटिंग फॉर यू, तो इसको मैंने चेकआउट किया, आप भी कर लें वॉलेट कनेक्ट करके, जो चीज़ें होती है फीडबैक है, ये रजिस्टर है। तो यहाँ देखें आपको डिस्कॉर्ड का हैंडल लिखना है, तो डिस्कॉर्ड आपको पता है कि डिस्कॉर्ड हमने ज्वाइन किया है, फोसेट भी ली है, तो आपको क्या करना है, अपना डिस्कॉर्ड का यूज़र नेम कॉपी करना है, ये मैंने कॉपी किया और जहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये क्या करें कि नेम ऑफ द कंप्यूटिंग पावर इट विल बी डिस्प्लेड इन दिस डैशबोर्ड, तो दोस्तों इस पे क्लिक जैसे ही हम करते हैं तो एक न्यू जो वेबसाइट है वो ओपन हो रही है। तो यहाँ देखें जो है ये जैसे वेबसाइट ओपन होती है तो यहाँ एक प्रोवाइडर का ऑप्शन आ रहा है कि प्रोवाइडर आप करें, आपका पीसी की जो प्रोवाइडिंग पावर है, ठीक है, मेरे ख्याल में यही आ रहा है, फिर भी इसको देख लेते हैं और आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों वेबसाइट ओपन हो जाए फिर आपको दिखा। तो दोस्तों जैसे ही मैंने वेबसाइट को ओपन किया है, यहाँ आपको क्लिक करना है वॉलेट्स पे, आपको मेटामास्क के थ्रू कनेक्ट कर देना है, जैसे कनेक्ट करेंगे यहाँ आपका वॉलेट आ जाएगा, ये देखिए वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद यहाँ कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ देखिए मैंने क्लिक किया है तो ये चीज़ें आ रही हैं, तो अब मैंने इन पे क्लिक किया है तो यहाँ से कंप्यूटिंग पावर, मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें आ रही हैं, अब इनको देखना है, ये कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं, तो यहाँ कोई चीज़ नहीं आ रही कि कोई मुझे समझ आए कि क्या चीज़ है। तो यहाँ देखें प्रोवाइडर सर्च है, ये प्रोवाइडर का जो चीज़ें आ रही हैं, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये प्रोवाइडर का जो है ये आ रहा है प्रोवाइडर, ठीक है। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है तो आप, मैंने ये प्रोवाइडर डाल दिया है।
अब आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। मज़ीद आपने देख लेना है, ये ना हो कि यहाँ से आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो और आप कहें कि भाई आपने कहा था, भाई मैंने तो कहा था। ठीक है, तो आप ख़ुद भी चेकआउट कर लें। अगर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है तो आप मुझे भी बता दें, तो मैं भी चेकआउट कर लूँगा। ये देखें, एक तो ये काम कम्प्लीट हो गया। अब हमारा जो ये है कि डिवेल्प वाला काम जो है, यानी कि डैप में जाके हमने इनको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है। तो इस पर क्लिक करके हम कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं। इस तरह का इंटरफेस है, एक्सेप्ट क्लिक करना है। ये आपके सामने आपको पता है कि आता है इस तरह का इंटरफेस है, तो आपको इसको चेकआउट कर लें। आपको क्या करना है, आप यहाँ देखें, सबसे पहले तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने की इन्होंने डिटेल बताई है कि ये हमारा डिप्लॉय फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, रिमिक्स में आपको करना है। ओपन रिमिक्स नेटिव, क्रिएट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों यहाँ आपको दिखा दूं कि मैंने ये, ठीक है, और कोड, बेसिक कोड सबसे पहले तो एक कोड ये है। अब हम क्या करते हैं, रिमिक्स ओपन किया है, यहाँ देखे क्रिएट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्रिएट ए न्यू फोल्डर, ये अपलोड, ये है चीज़ें। अब आपको क्रिएट ए न्यू फाइल पे क्लिक करना है। ये कोडिंग आ रही है मेरे ख्याल में यहाँ से, तो यहाँ से आप ऑलरेडी, आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ आपने नाम लिख देना है, कोई भी लिख दें। तो यहाँ से टेस्ट लिख देते हैं, ठीक है, टेस्ट नेट। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो सॉरी, यहाँ से दोस्तों काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हम क्रिएट कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है, और दोस्तों यहाँ टेस्ट नेट आपको लिखना है, टेस्ट नेट .SOL, ठीक है। ये मैंने नहीं लिखा था, इस वजह से वो सेव नहीं हो रहा था। तो यहाँ से आपके सामने टेस्ट नेट सोल, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फोल्डर बन जाएगा। तो अभी फोल्डर नहीं बन रहा, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, ताकि इसमें मेरे ख्याल में कोई नेटवर्क का मसला है। तो दोस्तों ये देखिए, मेरे पास ये चीज़ें आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करना है जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया है। तो यहाँ से सॉरी, यहाँ से तो इसको एक दफ़ा क्लोज़ कर लेता हूँ, कि ये ना हो कि ये दो चीज़ें बन जाएँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैंने ख़त्म कर दी है, यहाँ मैं आया और यहाँ मैंने वो पेस्ट किया और अलाउ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। आपने ओके पे क्लिक करना है, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो इन्होंने बताया है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, मैसेज जो है ये कॉपी करने के बाद, ऑटोमेटिकली कंपेन और कॉन्टैक्ट सेव, इंश्योर यू आर नो कंपेलिंग एरर्स, यानी कि आपके पास ये एरर नहीं आने चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखें आपका वॉलेट हो, ये 0 08 22 कमेंट्स, ये आपको करना है, ये आपके पास एरर ना हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ आपने क्या करना है। यहाँ इस पे आना है, और यहाँ से आपको आने के बाद, तो दोस्तों उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ आपको आना है कंपेलर, मैनुअल कंपेलर में। तो इस पे क्लिक करना है, आपको इस जगह क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ से कंपेलर पे, इस जगह आपको वो करना है जो मैंने उन्होंने बताया है कि 8 to 22 और लास्ट में ई आता है। मेरे ख्याल में इन्होंने यही कहा है कि ये कंपेंट फॉर 7E, ठीक है। तो 97E, तो यहाँ से ये 97E आ चुका है। उसके बाद नीचे आपके कॉन्फ़िगरेशन में आपको आना है, और यहाँ सोल्डेल्टी करना है इस पे क्लिक करके। तो यहाँ से एडवांस पे क्लिक करना है, यहाँ देखें ये ऑटोमेटिक है, और यहाँ से नीचे लंदन करना है, ठीक है, लंदन, ठीक है। तो यहाँ से आपको लंदन ये, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि आपको करना है, ये करने के बाद आपको डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, क्लिक ऑन डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट और आइकन लोगो ऑन, इस तरह, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से चेकआउट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये कंप्लीट होता है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ आपने डिप्लॉय करना है, हमने आप कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट, ये चीज़ें जैसे ही आती हैं ना, फिर हम इसको डिप्लॉय करेंगे। इस डिप्लॉय पे क्लिक करना है, अभी डिप्लॉय वाला ये चीज़ें नहीं आ रही, क्योंकि आपके सामने करंट नो डिप्लॉय टू कॉन्ट्रैक्ट इन डायरेक्ट। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, इंजेक्ट मेटामास्क प्रोवाइडर पे क्लिक करना है, आपको मेटामास्क पे क्लिक करना है।
आपका वही वॉलेट आपने कनेक्ट करना है जो आप टेस्ट नेट में यूज़ कर रहे हैं। तो एक तो ये कंप्लीट हो गया है, तो शेयर करने के बाद मेरे ख्याल में ऑटोमेटा की चीज़ें आ चुकी हैं। अब आपको वापस आना है और यहाँ से ये चीज़ें कंप्लीट हैं हमारी, ठीक है। मज़ीद भी मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये चीज़ें यही हैं। तो एक एरर आ रहा है आस्क GPT का, तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ देखें इस जगह मैंने जैसे इस पर क्लिक किया है, तो यहाँ आपके सामने ये आ रहा है कंपाइल का ऑप्शन। यहाँ आपने ऑटो पे क्लिक कर देना है, एडवांस पे आके आपको यहाँ से लंडन पे क्लिक करना है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा ये मेरे ख्याल में ये ऑटो क्लिक मैंने नहीं की थी, ठीक है। उसके बाद आपको डिप्लॉय पे आना है और यहाँ आपके सामने आपको यहाँ आपका इंजेक्ट प्रोवाइडर मेटामास्क पे क्लिक करना है। आपका मेटामास्क कनेक्ट हो जाएगा, आपका अथीरियम भी शो होंगे जितने आपने किए हैं वो भी। आपने डिप्लॉय पे क्लिक करना है, आप जैसे डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे तो आपका मेटामास्क डिटेक्ट होगा और फीस कटेगी। यहाँ एक ग्रीन चीज़ें आएंगी, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, यहाँ देखें ये पेंडिंग में यहाँ आ रहा है, तो ये देखें अभी ग्रीन होगा, तो समझो आपका ये देखें आपका जो है कॉन्टेक्ट क्रिएट हो चुका है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको दिखा दूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब मेरे ख्याल में ये आपको ये ऐड कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, इसको मैं लेके जाता हूँ और जो हमने टोकन जनरेट किया है क्या वो हमारा टोकन यहाँ शो होता है या नहीं। तो जैसे इस पे क्लिक किया मैंने, नेक्स्ट किया है और इम्पोर्ट पे क्लिक किया है, तो देखें यहाँ से जो है हमारा टोकन अभी ऐड नहीं हुआ, शो नहीं हुआ, हो जाएगा, एक्टिविटी हो चुकी है हमारी। तो यहाँ देखें कॉन्ट्रैक्ट का जो हमने ऐड किया है ये भी हो चुका है। उसके बाद यहाँ आप एक्सप्लोरर पे जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। एक तो ये काम आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं आपको दिखा दूँ कि ब्रिज कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर लिया, रजिस्टर भी कर लिया, डिप्लॉय प्रोवाइडर फीडबैक, तो फीडबैक भी देना है, ये यहाँ क्लिक करेंगे। फॉसेट भी क्लेम कर लिया है, ये भी ड्राई डाइव की है। अब ब्रिज ये कुछ रहते हैं डिस्कवर मोर, इसको आपने कुछ नहीं करना। तो कुछ चीज़ें आ रही हैं आपके सामने, एक आपको इसको चेकआउट कर लेना है। इसके साथ ही यहाँ से इसके गलेक्सी के टास्क कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले इसको ये फॉलो करना है, गलेक्सी पे आपका वॉलेट सेम होना चाहिए और इसके बाद आपको यहाँ गलेक्सी स्पेस जो स्पेस मिल चुकी है ट्विटर पे फॉलो करना है। उसके बाद रीट्वीट वगैरह करने के बाद लास्ट में कुछ टेस्ट एंड गाइड है, यू हैव आपको डिस्कॉर्ड के रोल लेना है। तो डिस्कॉर्ड पे फोसेट भी हम ले चुके हैं, तो हमारा ये रोल कंप्लीट हो चुका है। ये करने के बाद आपको और कुछ भी नहीं करना, बस इतना सा काम करना है। वेबसाइट के विजिट भी हमने किए हैं, सारी चीज़ें की हैं, जो चीज़ें आपके सामने हैं आप ये लाजमी कर लें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। उसके साथ इसका एक और है गलेक्सी का, ठीक है, दो चीज़ें हैं। टेस्ट नेट सावन पार्टनरशिप है ये कोई, तो ये भी आपने करनी है। सेम उसके कुछ टास्क हैं, इन्होंने सेम वही टास्क बताए कि टेस्ट नेट विजिट पर जाएँ और यहाँ टेस्ट नेट पे लैंडिंग पेज पर जाएँ। तो ऑलरेडी हम कुछ कर चुके हैं, तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जस्ट इसको करें जहाँ बस, और कुछ भी नहीं करना। ये आउट क्लेम कर लें, ये टेस्ट नेट का आउट है और ये गलेक्सी का जो 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं ये। उम्मीद है यहाँ से वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। अब लास्ट में एक था, मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया था, इसकी डिटेल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ टेलीग्राम पे। तो यहाँ से आपको टेलीग्राम पे इसके लिंक मिल जाएंगे। तो सिंपल सा, इसके ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। यहाँ कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है और आपको ये टास्क करने हैं। टास्क की जो डिटेल है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आपने जाके चेकआउट करना है। ये आपके सामने है जो ये आपको एग्जोम टेस्ट नेट है एग्जामी का, ठीक है। एग्जामी ऑलरेडी हम कर चुके हैं एग्ज़ाम का, ठीक है, एग्जोम्स XYZ। तो जनरेट की करनी है ये सारी चीज़ें, पता सिंपल से इसके टास्क हैं। यहाँ आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। अपने ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।